सीहोर में बच्चों को मिजलस रूबेला का टीका निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं लगवाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने डीईओ को दिए हैं। क्षेत्र में करीब 26 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य अनुसार बच्चों को टीकाकरण नहीं कराया है। जालेवा बीमारी मिजलस रूबेला को जड़ से खत्म करने के लिए देश में चलाए जा रहे मिजलस रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान के तहत सीहोर जिले में जिला प्रशासन ने 26 स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे अशासकीय स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मिजलस रूबेला विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रदेश में 15 जनवरी 2019 से की गई थी। इस टीकाकरण को लेकर कई प्रकार की दिक्कतों के चलते शहरी क्षेत्रों के 26 स्कूलों में 14,276 बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया। हालांकि स्कूल के संचालक इसके पीछे अपने अपने तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी यह लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। डीओ सर, ये रूबेले को लेकर जो निर्धारित लक्ष्य दिया गया था, ये पूर्ण ना होने के कारण कलेक्टर साहब द्वारा 26 स्कूलों पर कार्रवाई करने की, उनकी मान्यता रद्द करने के जो आदेश दिए हैं, सर किन किन स्कूलों पर ये कार्रवाई हुई है? सर, इसके पहले आदरणीय हमारी बात हुई थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चौहान साहब से, जिन जिन स्कूलों ने टीका लगवाने से मना किया था या छात्रों की उपस्थिति कम थी, उन सबको हमने अपने स्तर से पहले SCN जारी किया था। SCN जारी करने के बाद उन लोगों ने इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उसी का ये परिणाम है कि अब की स्थिति में सीहोर शहरी 100% है, आस्था में भी 100% है, ओवरऑल जिले का परसेंट 96.17% है। कुछ जो स्कूल रह गए थे उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया है, उसका हम 100% पालन कराएंगे और पालन करा के हम 100% जैसा बाकी विकास खंडों में और शहरी सीहोर में 100% लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे, उसे भी हम 100% पूरा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे इसमें। और इसमें आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जितने जनमानस हैं सब इसका प्रचार प्रसार करें कि ये वास्तव में स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। भावी जीवन जो है सुखमय रहेगा, बच्चे बीमार नहीं होंगे। जब वो नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो बीमारी उनके आसपास नहीं फटकेगी। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए इसमें। सर, ये रूबेला टीकाकरण के तहत कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है कि जिन जिन स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीकाकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। सर, आपके स्कूल के अंदर टीकाकरण का क्या स्थिति? टीकाकरण हमारे यहाँ दो बार हुआ है। पहले चरण में कुछ बच्चे रह गए थे, दूसरे चरण में भी पूर्णतः डॉक्टर साहब भी आए थे, हमने पूरा सहयोग किया। हम पूर्ण रूप से पूरे बच्चों को करवाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हमारे उसमें से उम्र से 16 साल से ऊपर के थे, वो बच्चे रह गए। कुछ पेरेंट्स लोगों ने ये भावना किसी ने वायरल किया था कि इससे बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, इसलिए ये बात कह के उन्होंने दो चार बच्चों में टीकाकरण नहीं हुआ है, बाकी के सभी का हो गया। हमारे यहाँ लगभग सभी का हो गया, लेकिन जो 126 बच्चे बता रहे हैं, वो 126 बच्चे वो हैं जो 16 साल की उम्र से ऊपर है। मतलब माता पिता के कारण भी टीकाकरण में? हाँ, माता पिता के कारण भी हमारे यहाँ विघ्न है। माता पिता स्वयं राजी नहीं है कि हम नहीं लगवाना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इस टीकाकरण कार्यक्रम से भी, माता पिताओं के कारण। हाँ, बाकी सभी ने पूरा कर दिया हमारे यहाँ कार्यक्रम। हमने पूरा पूर्ण सहयोग किया है, पूर्ण रूप से सहयोग किया है हमने। और तत्पर डॉक्टर साहब भी आए थे चौरसिया जी, उन्होंने भी मैंने क्लास में सभी को मिलवाया भी था, उनने समझाया भी, पेरेंट्सों को भी समझाया, लेकिन दो चार पेरेंट्सों ने नहीं लगवाया, बाकी का लगभग सभी का हो चुका है। 99% हो चुका है हमारा। और 126 जो बताए जा रहे हैं वो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं। सर, ये रूबेला के जो टीकाकरण है ये पूर्ण नहीं हो पाने के कारण आपके द्वारा जो कार्रवाई की है, सर किस तरह की कार्रवाई है? शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना सभी का कर्तव्य है। जितने भी हमारे शासकीय शालाएं हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। यदि वो उनका जानबूझकर उल्लंघन करते हैं तो जो भी यथावश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रिंसिपल सर, ये मिसल्स रूबेला के तहत जो टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें बहुत से प्राइवेट स्कूलों द्वारा ये लक्ष्य को निर्धारित पूरा नहीं किया गया, तो कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार 26 स्कूलों की मान्यता रद्द होने के लिए कार्रवाई के आदेश पारित हुए हैं। आपके स्कूल द्वारा इस लक्ष्य को सभी का टीकाकरण हो गया क्या? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे इस बारे में तो खैर मालूम नहीं है कि अन्य स्कूलों में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैं मेरे स्कूल की बात करता हूँ तो मेरे स्कूल में मैक्सिमम नंबर्स में रूबेला और मिजल्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। जो बच्चों का नहीं हुआ था देन सेकंड शिफ्ट में हमने कराया था, उसके बाद हमने पेरेंट्स को बोला है कि आप लोग जाके आंगनबाड़ी में भी करवा सकते हैं। ये है उसके अंदर।